Hey guys, welcome back to my channel and to another vlog. So, आज है vlog day 3. So, आज हम लोग जाएंगे केक बनवाने. तो अभी बज रहा है 12, तो हम लोग 2 बजे केक बनवाने जाएंगे. So, 2 बजे केक बनेगा हमारा. So, मैं आपको 2 बजे मिलूंगी. So, अभी जब तक 2 नहीं हो जाता तब तक मैं थोड़ा स्टडी करूंगी. So, yeah. Thank you guys. So, if you are new to this channel, then please subscribe, like this video and comment down below कि आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा. So yeah, let's get to the vlog. So, अब मैं आपको केक का सामान दिखाऊंगी जो हम लोगों का केक बनने वाला है 2 बजे के बाद. तो चलिए दिखाती हूँ. कन्फ्यूज़न होता है कि क्रिश्चियन लोग केक कैसे बनाते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि केक कैसे बनाते हैं. हमारे यहाँ स्पेशली 2 किस्म का केक बनता है, और वैसे तो लोग एक ही किस्म का केक बनाते हैं फ्रूट वाला, लेकिन हमारे यहाँ 2 किस्म का केक बनता है, एक कोकोनट केक और एक फ्रूट केक. तो आज मैं बताती हूँ कि सारा सामान हम लोग घर से ले जाते हैं. बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोग कैसे बनाते हैं, बेकरी से सारा सामान लेते हैं कि क्या करते हैं. नहीं, हम लोग सारा सामान घर से ले जाते हैं, और घर से ले जाके और जहाँ आपको बनाना है केक वहाँ पे आप पता कर लीजिए, वहाँ आपको टाइमिंग दे देगा, वहाँ आप जाइए उनके हिसाब से सारा सामान ले जाइए, अपने सामने सब फिटवा के मशीन में डलवा के तब आते हैं. जब वो केक बन जाता है तो हमको फ़ोन करता है और ले आते हैं हम लोग. तो चलिए पहले मैं आपको सामान बता दूंगी. तो हम लोगों ने 3 किलो केक बनाना सोचा है, तो 3 किलो के केक के हिसाब से क्या क्या सामग्री है मैं एक बताती हूँ आपको. तो पहले मैं बताती हूँ, ये मैदा है. अगर आप 1 किलो केक बना रहे हैं तो 1 किलो में 1 किलो मैदा लगता है. 1 किलो मैदा, 1 किलो चीनी, ठीक है, 1 किलो मैदा, 1 किलो चीनी, 1 आइसेंस की बोतल. और दूसरा क्या है, 1 किलो में, 1 किलो केक में ये जो है 1 कैरेट एग लगेगा, यानी कि 30 अंडा लगेगा. 1 किलो केक में जो फ्रूट वाला केक बनता है, और या कोकोनट वाला केक जो हम लोग बनाते हैं, ये है कि 1 किलो में 1 ये जो है 1 किलो मैदा, 1 किलो चीनी और 1 कैरेट अंडा डलेगा, यानी कि 30 अंडा डलेगा. और जो ड्राई फ्रूट्स होता है जिसमें कि ब्लैक किशमिश डलती है. तो आप केक बनाने के लिए सोच रहे हैं तो पहले 10 दिन पहले ही, अगर गर्मी का मौसम है तो कोई बात नहीं, लेकिन जनरली हम लोग का त्यौहार जो पड़ता है वो क्या है, विंटर में पड़ता है, तो हम लोग धूप जानते हैं कैसा मौसम हो जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं, 10 दिन पहले ही ये काली किशमिश थोड़ी गंदी होती है, चाहे आप खुली लीजिए या पैकेट में लीजिए, तो उसको क्या करते हैं घर में ला के गर्म पानी में 2-3 बार धो के और उसको कड़ी धूप में खूब अच्छी तरह सुखा लेते हैं. अगर आप नहीं सुखाएंगे तो आपका क्या केक हो जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा. और ये अच्छी तरह से सूखा होगा तो आपका केक 1 महीने तक आराम से चलेगा. तो आप जो है ये किशमिश खास तौर से 1 किलो में आधा किलो किशमिश डलती है, आप जो है और ये दोनों केक में डलेगा, कोकोनट वाले में भी और उसमें भी डलेगा, यही किशमिश डलती है. क्योंकि हम लोग लखनऊ में थे और अर्जेंट में हम लोग सोचे कि चलो अपने घर पे त्यौहार मना जाए, तो हम लोग को ज़्यादा मौका नहीं मिला, तो इस मारे ये थोड़ी सी हमारी ठीक से सूख नहीं पाई है, मुश्किल है. वैसे भी हम लोग को ज़्यादा दिन तक केक बांट नहीं है, तो हम लोग ने क्या किया. और ये घी, 1 कैरेट घी जो है अंडा होगा, 1 किलो केक में, 1 किलो मैदा, 1 किलो चीनी और 1 किलो घी या मक्खन. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दोनों मिलवा के बनाते हैं. एक ये जो है 1.5 किलो घी है और 1.5 किलो मक्खन है. ये आप मार्केट में मिल जाएगा, आप जो वह दुकान होती है शॉप वाले मिल्क जो दुकान होती है वहाँ पे ऐसे आपको मिल जाएगा. चाहे तो आप अपना जो भी घी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं. तो 1 किलो जो है ये घी है, 1.5 किलो घी और 1.5 किलो मक्खन है. और जब केक बनाने जाएँ तो इस बात का ध्यान रखें कि स्लिप जरूर अपने नाम की लिख के जाएँ, क्योंकि आपका केक कैसे पता चलेगा, क्योंकि मशीन में कई लोगों का केक एक साथ डलता है. तो जब ये आप केक बन जाए, जब गीला रहे तो अपनी स्लिप चिपका दें ताकि मशीन से निकले, कई लोगों का एक साथ निकलेगा तो आपका नाम चिपका रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा आपका कितना केक बना है और किस नाम से बना है और कितना है. और ये डेगची और चाकू ज़रूर ले जाएँ, क्योंकि वहाँ अंडा फोड़ना पड़ता है. और ये ड्राई फ्रूट्स मैंने क्या किया, बादाम को भी, जैसे मैंने किशमिश को सुखाया वैसे बादाम को भी रात में गर्म पानी में, गुनगुने पानी में भिगा के उसका छिलका निकाल के, और किशमिश को भी 10 दिन खूब अच्छी तरह सुखाया है, बादाम को सुखा के, और सारे फ्रूट्स मैंने एक साथ डाल दिए. इसमें ये है, आप देख सकते हैं, इसमें गरी है, अखरोट है, बादाम है, छुहाड़ा है. अब बाकी जो डालना चाहें इसकी क्वान्टिटी मैं बता दूँगी, आप भूलिएगा तो मैं आपको पूरा लिख के डाल दूँगी क्या 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 सामान क्या क्या डलता है. और ये है, इसको भी मैंने महीन महीन काट के रखा. और खास तौर से ये जो आप देख रहे होंगे, ये इलायची पाउडर है, जायफल है और जावित्री, इससे क्या होती है खूब अच्छी खुशबू आती है. और ये कोकोनट केक के लिए येलो रंग. आगे मैं आपको बताऊंगी कि केक का क्या प्रोसीजर है, आप मेरे साथ बने रहें.
सो गाइस, कल के व्लॉग में मैंने आपको अपना छोटा क्रिसमस ट्री जो मैंने कल डेकोरेट किया वो नहीं दिखाया था, सो आज मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए दिखाती हूँ मेरा छोटा क्रिसमस ट्री जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इस पर मैंने ऊपर एक जो गिफ्ट रिबन नहीं आती है वो रैप कर दिया है, और ये छोटी छोटी क्रिसमस बॉल्स है। ये मैंने टीवी के नीचे वाले टेबल पे रखा है एंड इट इज़ सो नाइस, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं वहाँ पे जहाँ हम लोग का केक बना है, तो मैं भी यहाँ बालकनी में खड़ी हूँ। केक वहाँ जो दरवाज़ा है वहाँ अंदर जाके बनेगा, तो मैं भी बालकनी में खड़ी हूँ। सो धूप बहुत अच्छी है, मौसम भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, और पीछे मेरे दो भाई जो हैं बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं, पागल बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं। सो अभी मैं केक फेंटने का आपको सब दिखाऊंगी। तो चलिए, ये दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और ना हम लोगों ने खाना खाया है ना कुछ पिया है, और केक बन नहीं रहा अभी क्योंकि बहुत लोगों का भी बन रहा है, लोगों का लास्ट नंबर है, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे। सो वी हैड टू वेट, और अभी 2:30 हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, हो सकता है ये केक बनने के बाद लास्ट टर्न से बच गई सी। और यहाँ बहुत भीड़ है एकदम। ये वो मशीन है जहाँ केक बनता है, इसके अंदर हीट होता है, केक बेक होता है। और ये है कुछ लोगों का केक बना हुआ, हम अपना भी केक आपको दिखाएंगे बनते हुए।
गाइस, अभी हम लोग तुरंत केक बनवा के आए हैं और लगभग 7 बज रहा है अभी शाम के, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तुम लोगों ने बेक करने के लिए उस मशीन में रख दिया है, कम से कम उसको थोड़ा टाइम लगेगा। एंड अभी मैं अपना ड्राइंग रूम डेकोरेट करें, सो आई विल टेल यू हाउ आई विल डेकोरेट माई ड्राइंग रूम। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस इज़ माई क्रिसमस ट्री एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ फुल लुक बुक ऑफ दिस क्रिसमस ट्री। लेट्स गेट स्टार्ट। सो ये मेरा क्रिसमस ट्री जो हम लोगों ने डेकोरेट किया है, एंड कल रात को हम लोगों ने किया था। और इस पर हम लोगों ने अभी हम लोगों को मेन टच इस पर देना बाकी है दोस्तों। ये देखिए स्नो डस्ट है जो इस पर डलेगी पानी के साथ, हो एंड इट विल लुक वेरी नाइस ऑन द स्नो डस्ट। तो अब मैं आपको इस पर स्नो डस्ट डालने के बाद मिलती हूँ। सो ये है अब हमारा स्नो डस्टेड इफेक्ट वाला क्रिसमस ट्री। हम लोगों ने इस पर स्नो डस्ट डाल दी है और अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर बर्फ़ गिरी है। तो ये मैंने कैसे किया है वो मैं वीडियो डाल दे रही हूँ, चलिए आप उसका मज़ा लीजिए। हम लोग यहाँ केक जब आ जाता है तो उसको हम लोग तुरंत कहीं नहीं रखते हैं, रात भर उसको, या रात में शाम को आया हो तो केक तो रात में ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि आप ठंडा नहीं करेंगे केक और कहीं ऐसी जगह पैक करके रख लेंगे तो पूरा केक आपका ख़राब हो जाएगा। इसमें मतलब 4-5 घंटा जब तक पूरी तरह से केक ठंडा ना हो जाए इसको कहीं ना रखें। तो ये हमारा केक अभी अभी जस्ट बन के आया है, और ये है हमारा फ्रूट केक और ये है येलो वाला हमारा कोकोनट केक। हम लोग इसे चाय के साथ अभी खाने वाले हैं। सो इसका ये फ्रूट केक का कलर जो है बहुत ब्राउन आया है, बहुत ही अच्छा तरीके से बेक हुआ है, और ये कोकोनट केक है जिसमें किशमिश है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बेक हुआ है। सो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको केक कैसा लगा।